कथा का सच सामने आते ही व्यान हुआ बेहोश, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कथा और राघव की रिश्ते की सच्चाई व्यान के सामने आई है और वो व्यान को एक ऐसा सदमा लगा है जिसकी वजह से अब तेजी बेहद परेशान हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तेजी कथा के पास जाएगी और अपने बेटे की प्यार की भीख मांगेगी, और क्या कथा तेजी को बदले में भीख दे पाएंगी, और फिर वो राघव को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए क्या वो व्यान के पास वापस जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे ट्विस्ट इस सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। वेल, तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल कथा अनकही के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से कथा को फाइनली पता चल जाता है कि राघव जो होता है उससे सगाई कथा की हो चुकी होती है, और वो भी तेजी को तब पता चलता है जब वो राघव के पास जाती है, और वो भी अपने नहीं बल्कि व्यान के मेंटली कंडीशन के लिए वहाँ वो जाती है, और वहाँ जाने पर कथा और राघव के रिश्ते की सच्चाई उसे सामने आती है। वहीं वहाँ पे तेजी से रहा नहीं जाता है, वो एकदम से बेचैन हो जाती है, बौखला जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का ही डर होता है कि अगर ये व्यान के सामने सच आया तो फिर व्यान इस सच को किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, उसके दिमाग पर क्या इसका असर पड़ेगा। लेकिन इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि जिस बात का डर था तेजी का, वही बात होते नजर आ रहा है, क्योंकि अब व्यान को पता चल चुका है कि राघव से कथा की सगाई हो चुकी है, और जिसके बाद वो बेहोश हो चुका है और सदमे में जा चुका है। लेकिन यही तेजी है कि अपने बेटे की हालत उसे देखी नहीं जा रही है, और फिर वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन व्यान है कि वो बेहोशी में भी कथा का ही नाम लिए जा रहा है और वो राघव को भी बेहद याद कर रहा है। लेकिन अब ये देखना सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तेजी कथा के पास जाएगी अपने बेटे की भीख मांगने के लिए, और क्या बदले में कथा जो है वो राघव को छोड़ के व्यान के पास वापस चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कथा जो रहती है वो राघव से नहीं बल्कि अभी भी व्यान से ही प्यार कर रही होती है, और जिसके वजह से वो राघव के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाती है। लेकिन राघव है जो कि कथा को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ देते नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और जिसकी वजह से सभी लोग बेहद खुश हैं। लेकिन कथा के मन में कहीं ना कहीं व्यान की याद आ रही है और उसके अंदर बेचैनी सी हो रही है, क्योंकि उसे अब महसूस हो चुका है कि व्यान के साथ कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कथा राघव को छोड़ के व्यान के पास जाएगी, या फिर राघव के साथ ही अपनी आगे की लाइफ बिताने वाली है। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बिट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।